मसले कश्मीर उठाने पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशें की जाती हैं। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता, लेकिन भारत को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नया दिन में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन रहनुमाओं को खित्ते की सूरत हाल पर बैठने का कहा, लेकिन अपोजिशन ने तमाम तवज्जो बजट पर रखी। हर आम पाकिस्तानी कोरोना से निजात चाहता है। कश्मीर की सूरत हाल को समझना होगा और मैंने यही अपोजिशन रहनुमाओं से कहा था कि आप तशरीफ लाइए, हम आपको अर्ज करें कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है। उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। बाहर रहो, वो बजट को नाकाम करने में मसरूफ हो गए। बाहर अब वो मरला भी गुजर गया। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से 118 अमवात, मजमुई हलाकतें 4304 हो गई। एक दिन में 2846 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद समेत सिंध के 10 अजला में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। जामशोरों में 500 केवी ग्रिड स्टेशन के यार्ड में आग भड़क उठी। हैदराबाद के तमाम ग्रिड स्टेशन के 110 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुनक़ता। 10 अजला 7 घंटे तक बिजली से महरूम रहे। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान हैसो के मुताबिक तमाम ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश, नौजवान को पड़ी महंगी। जंग में पुलिस ने धर लिया। अरसलान की असलहा थामे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और क्रिकेट नहीं तो टेबल टेनिस और स्नूकर खेलेंगे। इंग्लैंड में क्वारंटीन में मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने निशानाबाजी भी शुरू कर दी। कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुकम्मल। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के टेस्ट ECB के मेडिकल पैनल ने लिए।